संदेश वाले केस एनआईए जांच करने के लिए केस में बैठी हुई है। इस एफआईआर को जल्द ही प्रारंभ किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज, में हूँ आपके साथ कंचन। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। वृंदा करात ने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी कर रही संदेश खाली केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की शुरुआती जांच बैठ गई है। सूत्रों की ओर से मंगलवार 20 फरवरी 2024 को बताया गया कि जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। फिलहाल जांच एजेंसी शाहजहां शेख की तलाश में जुटी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें संदेश खाली जाने से रोका जाएगा, पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वे लोग वहां जा रहे हैं, जबकि वृंदा करात बोली टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। ममता सरकार ने मामले की कोई जांच नहीं कराई है और वे लोग घटना को लेकर साजिश रच रहे हैं। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने पुलिस पर उठाए सवाल। वैसे इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था पुलिस भूमिका नहीं निभा रही है। मैं जब गलियों में घूम रही थी तब एसपी साहब कुर्सी पर बैठे थे, वे समझना नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी बीजेपी और विपक्ष के अन्य नेता भी पुलिस पर आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा चुके हैं। क्या हुआ है संदेश खाली में? संदेश खाली में 9 फरवरी से काफी बवाल हो रहा है। दरअसल यह इलाका टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के दबदबे वाला है। शाहजहां शेख राशन घोटाले में 5 जनवरी को ईडी की छापेमारी के दौरान टीएम पर हुए हमले के बाद से फरार है। उसके फरार होने के बाद 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख और उसके बाद लोग महिलाओं का यौन शोषण भी करते थे। 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा की 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया गया। महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी यहां का दौरा करने के बाद कहा था कि संदेश खाली में स्थिति काफी गंभीर है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।